अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेस प्रेशर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल एंड ड्रॉप एक्सेसप्रेशर इन साइड है बबल एंड ए ड्रॉप सरफेस टेंशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो सरफेस टेंशन का एक कॉन्सिक्वेंस है कि जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं या बबल्स होते हैं दे टेंड टू बी स्फेरिकल इन शेप अगर हम ग्रेविटी को या बाकी इफेक्ट्स को नेगलेक्ट करेंगे दिस इज़ बिकॉज स्फेरिकल शेप लेने से ही उनका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है और सरफेस इनर्जी भी कम रहती है अब सपोज अगर हम बबल की एग्जांपल लेंगे ये सो बबल के एग्ज़ाम्पल लेंगे सपोज ये बबल है बबल के पास दो सरफेसेस है एक इनसाइड वाली सरफेस क्योंकि अंदर से हॉलो है और एक आउटसाइड वाली सरफेस जबकि ड्रॉप के पास एक ही सरफेस है तो अगर बबल के अंदर जो है प्रेशर पी होगा और बबल के बाहर प्रेशर होगा पी ओ ठीक है या अगर हम इनसाइड प्रेशर लेते हैं पी आई तो इनसाइड द बबल प्रेशर इज़ पी आई आउटसाइड द बबल प्रेशर इज़ पी तो बबल तो तभी एग्जिस्ट होगा जब इनसाइड वाला प्रेशर ग्रेटर होगा किस से आउटसाइड वाली प्रेशर से ठीक है तो तभी बबल एग्जिस्ट होगा इसका मतलब ये है अगर पी आई ग्रेटर देन पी है तो एम्प्लाइज प्रेशर्स में डिफरेंस होगा ठीक है इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर एक्सेस प्रेशर उसको हम डिनोट करेंगे किससे पी से तो इसका हम फार्मूला निकालेंगे एक्सेस प्रेशर लिक्विड ये बबल के अंदर या ड्रॉप के अंदर कितना होता है पहले हम बबल का केस देखेंगे उसके बाद ड्रॉप पे आ जाएंगे लेट्स इमेजिन कि बबल जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा तो हम एक, एक ये हाफ को बनाते हैं यहाँ से यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं हम इस डायरेक्शन से बबल को देख रहे हैं वो ब्रेक हो गया तो हम इस साइड वाला राइट वाला हाफ देख रहे हैं तो कैसे देखेगा विल बी समॉट लाइक दिस एक हाफ है इसी तरह से एक हाफ इस साइड होगा ठीक है तो दो हाफ से सपोज रेडियस ऑफ बबल इज आर ये सरफेस टेंशन जो होगा दैट विल बी टेंजेंशियल लाइक दिस सपोज सरफेस टेंशन इज टी सरफेस टेंशन इज टी तो इस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा उसको हम निकालेंगे किसके बराबर होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज उसको हम लिखेंगे सपोज एफ वन ठीक है किसके बराबर होगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ठीक है क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ठीक है तो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जब हम पर यूनिट लेंथ को मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे तो लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा हमें मिल जाएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अब सवाल है कि ये वाला फोर्स कितने uh, कितनी लेंथ पर लग रहा है तो अगर हम स, ये ड्रॉप का या बबल का ये रेडियस लेंगे स्मॉल आर रेडियस इज स्मॉल आर तो ये लेंथ कितनी होगी जो आपने सर्कुलर लेंथ ली है तो इसका सर्कम्फ्रेंस कितना होगा दैट इज लेंथ दैट इज टू पाई आर ठीक है तो ये होगा टी इंटू टू पाई आर तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टी इंटू टू पाई आर अब एक्सेस प्रेशर भी है कि एक्स्ट्रा प्रेशर है बबल के अंदर ठीक है तो एक्सेस प्रेशर कितना है पी आई माइनस पी नॉट ये भी फोर्स अप्लाई करेगा और जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सरफेस टेंशन मींस कि सरफे ये टेंड करेगा ये बबल का जो सरफेस एरिया हो वो कम हो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो तो इट मींस दैट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ठीक है और जो एक्सेस प्रेशर है अंदर बबल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है बबल के बाहर प्रेशर कम है तो एक्सेस प्रेशर का फोर्स बाहर की तरफ होगा सरफेस टेंशन का फोर्स अंदर की तरफ होगा ठीक है तो अब हमने देखना है कि इस सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एक्स्ट्रा प्रेशर का फोर्स कितना होगा या एक्सेस प्रेशर का फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर एक्सेस प्रेशर इज ठीक है उसको हम लिखेंगे एफ टू फोर सिक्स के बराबर प्रेशर मल्टीप्लाइड एरिया एक्सेस प्रेशर क्या है पी ठीक है यहां हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी ओ साइड माइंड आउटसाइड इन टू एरिया यह जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया कितना होगा पाईआर स्क् फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर यह कहां directed होगा डायरेक्टेड आउटवर्ड्स ये डायरेक्टेड होगा सर्फेस्टेंशन वाला फोर्स कहां डायरेक्टेड होगा इनवर्ड्स ठीक है अब अगर इक्वेब्रम uh, वाला हम केस देखेंगे यानी कि ड्रॉप एग्जिस बबल एग्जिस्ट हो रहा है इसका मतलब ये दो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करनी चाहिए उसी सिचुएशन में ड्रॉप ये जो बबल है वो एक्जिस्ट कर पाएगा इम्प्लाइज या इन इक्विब्रम इन इक्विलिब्रियम एफ वन मस्ट बी इक्वल टू एफ टू दैट इज दैट इज़ टी इंटू टू पाई आर मस्ट बी इक्वल टू पी आई माइनस पी नॉट इं टू पाई आर स्क्वायर वी हैव टू फाइंड एक्सेस प्रेशर एक्सेस प्रेशर मीन्स पी आई माइनस पी implies पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू ये देख लीजिए यहाँ पे आर है ठीक है चलो इसको हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं तो किसके बराबर होगा टी इंटू टू पाई आर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा आर आर कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला कितना आएगा पी आई माइनस पी नॉट या पी ओ इज इक्वल टू टू टी बाई टू टी बाई आर तो एक्सेस प्रेशर टू टी बाई आर तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सो बबल या बबल कितना होगा ट्वाइस सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ट्वाइस सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस एक यहाँ पे हमने मिस्टेक uh, की है मिसकेलकुलेशन की है ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होगा क्योंकि यहाँ पे ये बबल वाला केस है तो बबल के केस में मैंने पहले ही बताया था कि दो सरफ़ेसेस होंगी एक अंदर वाली सरफेस ये और एक बाहर वाली सरफ़ेस, ठीक है तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ट्वाइस ठीक है डबल बिकॉज ऑफ बिकॉज ये बबल हैज़ टू सरफ़ेसेस, बबल के पास दो सरफ़ेसेस हैं ठीक है थीके? तो फोर्स इन सरफ़ेस टेंशन के केस में टू एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा ठीक है तो यहाँ ये टू एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा ठीक है तो इससे हमारी कैलकुलेशन में यहां पे एक्स्ट्रा टू आएगा टू टू जर फोर तो ये आएगा फोर टी बाई आर तो एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सेस प्रेशर इन साइड सो बबल या बबल इज फोर मल्टीप्लाइड बाई स डिवाइड बाई रेडियस अब अगर हम लिक्विड ड्रॉप वाला केस देखेंगे फॉर ड्रॉप ड्रॉप के केस में कितनी सरफेस है ड्रॉप देयर इज ओनली वन सरफेस ठीक है वो कौन सी है बाहर वाली अंदर लिक्विड भरा है पूरा तो उस सिचुएशन में जो एक्सेस प्रेशर होगा ड्रॉप के अंदर दैट विल बी पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू वहाँ पर फोर टी बाय आर वहाँ पर एक ही सर्फिस है तो टू टी बाय आर आ जाएगा टू टी बाई टू आइस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ ड्रॉप ठीक है एंड फोर एंड टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ ड्रॉप तो दिस इज फॉर बबल एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल या बबल एंड दिस इज़ फॉर drop thank you